राजस्थान के अटरू में श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, खेडलीगंज में पंडित मनोज शास्त्री, तलवंडी कोटा के पावन निर्देशन में 1008 पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। बीते 31 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पारस जैन पारसुमणि पत्रकार कोटा ने बताया कि 19 दिसंबर को ध्वजारोहण, अभिषेक, विश्व में शांति के लिए महाशांति धारा, पूजन महोत्सव, महाकलश शोभा यात्रा, शिखर पर विराजमान प्रतिमाओं का अभिषेक, वात्सल्य भोज, महाआरती का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कोटा, बारा, अंता, छबड़ा, छिपाबडौत, गुना आदि जगहों से श्रद्धालु पहुंचे। बता दें आपको, पारसनाथ बाबा की मनोहारी प्रतिमा के दर्शन से दिव्य आत्म शांति महसूस होती है। बड़ी दूर दूर से यात्रीगण दर्शनार्थ वर्ष भर आते रहते हैं। मंदिर का जब से जीर्णोद्धार हुआ है, मंदिर में भव्यता आ गई है। आज मंदिर पर आज यहाँ पर पारसनाथ भगवान जो 23वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म दर्शन के, पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महामहोत्सव विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ में 12 जिले के छोटे से ग्राम अटरू में भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है, जिसमें जगह जगह से 12 से अंता से, गुना से और छिपाबड़ौत, छबड़ा आदि से जो जैन समाज है वो सब यहाँ पर बाबा के दरबार में आए हैं, बाबा का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो शांति धारा, ये जो अभी शांति धारा होगी पारसनाथ भगवान पर, जो शांति धारा होगी वह विश्व में शांति और जो वैश्विक माहौल बना हुआ है, विश्व स्तर पर जो युद्ध लड़े जा रहे हैं जिसमें मात्र पतन ही पतन है, तो आज अणुव्रतों को धारण करने की जरूरत है। अणु ब्रह्मों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विश्व अणु बम की ओर जा रहा है और हम चाहते हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो, प्राणी मात्र में शांति हो, सुख हो, चैन हो, अमन हो, इस भावना से हम यहाँ पर विराट स्तर पर शांति धारा भगवान के सर पर डालेंगे और कहेंगे कि भगवान विश्व में शांति की स्थापना हो, अणु बम नहीं अणुव्रतों की ओर ये विश्व बढ़े, अणुव्रतों को धारण करें। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम पारस जैन, पारसमणि पत्रकार, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जैन पत्रकार संघ से हूँ और पारस टीवी चैनल का मीडिया प्रभारी हूँ और आदिनाथ चैनल से जुड़ा हुआ। ठीक सर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।